दोस्तों अपने एमएलए को जानिए। कार्यक्रम में आज हम राजस्थान के दौसा जिले की सिकराई क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विजयी हुई ममता भूपेश की बात करेंगे। ममता भूपेश राजस्थान की राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी है। राजस्थान के साथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी ममता भूपेश की अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि अशोक गहलोत के 23 सदस्यों के मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली ममता अकेली महिला है। इससे पहले वह गहलोत सरकार में संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। ममता भूपेश को कांग्रेस संगठन का लंबा अनुभव है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1992 में कांग्रेस के फ्रंटल संगठन एनएसयूआई के राजस्थान के सचिव के रूप में की थी। 1995 में ममता भूपेश को राजस्थान युवा कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था। 2002 में ममता भूपेश को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया गया। 2011 में उनको अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के महासचिव के पद पर बैठाया गया। वर्तमान में भी ममता भूपेश महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही है। ममता भूपेश ने चुनावी राजनीति की शुरुआत 2002 में सिकंदरा से जिला परिषद का चुनाव जीतकर की थी। ममता भूपेश ने 2003 का विधानसभा चुनाव दौसा से लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं सकी थी। 2008 में ममता भूपेश ने सिकराई से विधानसभा चुनाव जीता था। अशोक गहलोत ने उनको संसदीय सचिव बनाया था। 2013 का विधानसभा चुनाव ममता भूपेश एनपीईपी की गीता वर्मा से हार गई थी। इस चुनाव में भाजपा के विक्रम बंसीवाल दूसरे और ममता तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार ममता भूपेश ने भाजपा के विक्रम बंसीवाल को 30,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया है। राजस्थान का दौसा जिला प्रदेश की राजधानी जयपुर से साथ लगता है। प्राचीन समय में यहाँ चौहान राजाओं का राज रहा है। सिकराई से जयपुर की दूरी महज 35 किलोमीटर है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सिकराई सीट से जीती ममता भूपेश को सचिन पायलट के गुट का माना जाता है। ममता भूपेश के पास एमबीए की डिग्री है। उनके पति डॉक्टर घनश्याम बैरवा दांतों के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। जयपुर के नजदीक होने के बावजूद सिकराई विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद ममता भूपेश पर अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।